श्री गणेशाय नमः, परम गुरु देवेभ्यो नमः, मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आए हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर कि राजा भोज ने कलियासोत नदी का मुख मोड़ने के लिए एक बड़ी लंबी और बहुत ही मोटी पाल का निर्माण कराया था। कहते हैं राजा भोज को कोई बीमारी हो गई थी, तब उसने वैद्यों से और ज्योतिषियों तथा जानकारों से सलाह की, तब उन सब ने मिल करके विचार करके बताया कि राजा यदि आप 108 धाराओं के जल को इकट्ठा करके और उसमें जब आप स्नान करेंगे तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तब राजा ने स्थान का सर्वे कराया तो ऐसा उचित स्थान भोजपुर के पास में मिला। इसमें 107 धाराएं तो मिल गई लेकिन आठवीं धारा नहीं मिल पा रही थी। तब उनके एक मंत्री थे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने एक कलियासोत नाम की नदी की खोज की और सुझाव दिया राजा को कि यदि हम इस नदी का मुख मोड़ दें तो इस नदी के जल को इस तालाब में मिलाया जा सकता है, जिससे कि हमारी पूरी 108 धाराएं हो जाएंगी। तब क्योंकि इस नदी की खोज राजा भोज के मंत्री कल्याण सिंह जी ने की थी, इसीलिए इसका नाम कल्याणी स्रोत रखा गया, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते कलियासोत हो गया। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि अभी हमने आपको प्राचीन तटबंध के बारे में बताया, जहाँ से कि कलियासोत नदी का रुख मोड़ दिया गया था और इधर जो भोजपुर डैम में इस कलियासोत नदी को मिला दिया गया था, तब कहीं जाकर के और ये भोजपुर का विशाल तालाब बन पाया था। यहाँ से निकलते समय हमें ये कुछ जलाधारियाँ दिखाई दी। मन में विचार आया कि इन जलाधारियों के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को करवा दें। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन जलाधारियों का निर्माण भी भोजपुर के शिव मंदिर में होना था, लेकिन किसी कारणवश ये जलाधारियाँ शिव मंदिर में नहीं लग पाई। ये एक शोध का विषय हो सकता है कि ये जलाधारियाँ क्यों नहीं लग पाई, क्या कमी रह गई, या वे कौन से कारण थे जिनके चलते हुए और ये जलाधारियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं पुरानी वस्तुओं से संबंध रखने वाले अथवा रुचि रखने वाले सभी लोगों का एक प्रकार से आवाहन करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि हमें अपनी ऐसी जो पुरा संपदा है, इन पुरा संपदाओं का संरक्षण करना चाहिए और शासन से भी मांग करना चाहिए कि इनका संरक्षण किया जा सके। आइए हम भाई साहब से परिचय लेते हैं। भाई साहब कहाँ से पधारे हुए हैं, इनसे परिचय लेते हैं हम। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं जी
आया हूँ जी। और मुझे जो भोजराज मंदिर है इसके बारे में बहुत प्रसिद्धि सुनी है इसकी। अच्छा जी। मैंने और भी बहुत सारे स्थान देखे हैं जी, लेकिन ये वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है जी, और बहुत ही इसकी मान्यता है जी। और मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा और बहुत जानकारी भी मिली जी जी जी। और यहाँ पर बहुत सारी जलधारियाँ भी हैं जी। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा इधर भी, इधर आइए, छाया में आ जाइए आप। हाँ, जो कि शिव मंदिर के अंदर लगनी थी। हाँ जी जी, लेकिन ये लग नहीं पाई और यहाँ पर रखी हुई हैं जी जी जी। ये भोज राजा के समय की हैं जी जी जी। और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा नहीं, आप इन जलाधारियों के बारे में क्या चाहते हैं शासन से, कि शासन को क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? नहीं, इनका संरक्षण करना चाहिए। हाँ, और इन जलाधारियों को शिव मंदिर के अंदर ही जी लगाना चाहिए जी। लगाना चाहिए जी, ये चीजें हैं वहीं पर लगनी चाहिए। हाँ जी। तो भाई साहब, अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रामफल है जी। जी, रामफल, रामपाल। हाँ जी जी। अच्छा, कहाँ? हरियाणा विराजते हैं? रोहतक? नहीं जी, पानीपत से आया हूँ। पानीपत, अच्छा। हाँ, आपका क्षेत्र भी बड़ा इतिहास प्रसिद्ध क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इतिहास। हाँ, वो भी ये पानीपत के क्षेत्र ने तो भारत के इतिहास को बदला कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बदलाया जी। जी जी जी। वहाँ पर तीन लड़ाइयाँ हुई हैं जी, एक 1526 में जी, एक 1556 में जी, और 1761 में जी। उसने भारत के इतिहास को भी बदला है। बदला है। यदि कभी पानीपत हमारा आना हुआ तो आप सहयोग करेंगे भगवान? हम पूरा सहयोग करेंगे आपका जी। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका जी। आगे हम और भी आपको ऐसे ही वस्तुओं के, क्षेत्रों के दर्शन कराते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, यह भोजपुर क्षेत्र बड़े ही रहस्य और अचरजों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई ऐसी पुरा सामग्री अवस्थित है जिनके ऊपर अभी पुरातत्व शास्त्रियों, धर्मशास्त्रियों और स्थानीय लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी है, जिनका संरक्षण संवर्धन करना परम आवश्यक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि उज्जैन नगरी में एक मणि नागेश्वर मंदिर है, यहाँ भोजपुर क्षेत्र में भी बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि एक बड़ी ही प्राचीन मणि नागेश्वर की मूर्ति यहाँ भी विराजमान है। आज हम आपको भोजपुर के मणि नागेश्वर का दर्शन करवाने जा रहे हैं। यह बड़े दुर्गम स्थान पे विराजित है। यहाँ तक जब हम आए थे तो हमें बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे मन में एक बड़ी तीव्र लालसा थी कि हम अपने दर्शकों को भोजपुर के मणि नागेश्वर भगवान के दर्शन अवश्य ही कराएंगे। और आज हमारा ये प्रयत्न सफल हुआ। यद्यपि बड़ी दुफेरी तप रही है, फिर भी, क्योंकि हम जय हो भगवान एक बार सोच चुके थे कि हम अपने दर्शकों को भगवान मणि नागेश्वर का दर्शन अवश्य कराएंगे। ये बगल में भगवान शिव जी की पिंडी है और ये उनके पास में पंचमुखी मणि नागेश्वर महाराज जी विराजमान है। ये मूर्ति बड़ी ही प्राचीन है। हो सकता है यहाँ पर कभी मणि नागेश्वर का मंदिर रहा हो। देखिए, गिरते गिरते बचे अभी हम। यहाँ पर मणि नागेश्वर का मंदिर रहा हो
और ये मंदिर समय की मार के कारण गिर गया हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो या एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे मन में बड़े दिन से ये लगा हुआ था कि जब हम भोजपुर क्षेत्र के समस्त तीर्थों की जानकारी दे रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार हम भोजपुर कीरतनगर के जो मणि नागेश्वर हैं इनके दर्शन अपने जो धर्म प्रेमी बंधु है उन्हें कराएं। जहाँ मणि नागेश्वर का स्थान होता है उस स्थान पर काल सर्पदोष की शांति की जाती है। आप लोगों के मन में ऐसी शंका हो रही होगी कि काल सर्प दोष की शांति नासिक अथवा उज्जैन में होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भोपाल और भोजपुर क्षेत्र भी महाकाल वन में ही आता है और महाकाल वन में जहाँ भी मणि नागेश्वर की मूर्ति होती है उस स्थान पर काल सर्प दोष की शांति की जा सकती है। आवश्यकता है कि इस स्थान का पुनर्निर्माण कराया जाए। इस स्थान का जो है पुरातत्व की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्थान पर अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का कष्ट करें।